आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कर्सुल कितना यूजफुल और वैल्यूएबल है और आप उसको किन टूल्स की जगह पर यूज कर सकते हैं और उनसे भी बेटर रिजल्ट्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वासिफ। वेलकम टू माय चैनल आई वासिफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज आपको कर्व्स टूल के बारे में बताऊंगा कि वो कितना यूजफुल है और आप उनको किन टूल्स की जगह पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि कर्व्स टूल है क्या। कर्व्स टूल फोटोशॉप का एक एडजस्टमेंट लेयर है जो आपको यहाँ एडजस्टमेंट के पैनल में भी मिल जाएगा। उसके अलावा आप कंट्रोल एम प्रेस करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपली इमेज में आना है एडजस्टमेंट में और यहाँ पर आपको यहाँ कर्व्स टूल का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। तो कर्व्स टूल यूज़ होता है आपकी इमेज की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा आप इसको अपनी इमेज के कलर ग्रेड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको कर्व्स टूल के फीचर्स के बारे में बताता हूँ। कर्व्स टूल का ये वाला हिस्सा शेडोज को शो करता है, ये दरमियान वाला हिस्सा मिड टोन्स को और ये वाला हिस्सा हाइलाइट्स को। और आप यहाँ जो इसमें ये वाली वेव्स देख रहे हैं ये शो करती हैं कि आपकी इमेज में कितनी क्वांटिटी में शेडोज, मिड टोन्स या हाइलाइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज में जो है ये जो वेव्स हैं ये शेडोज और मिड टोन्स के दरमियान वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमेज में काफ़ी मिकदार में शेडोज और मिड टोन्स हैं। अगर आप अपनी इमेज के हाईलाइट्स और कंट्रास्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर RGB पर रखना है इसके मोड को, और आप यहाँ से इस लाइन को कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रास्ट और हाईलाइट्स क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर आप जितने भी आपका दिल जाए आप उतने पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर दो पॉइंट्स मेरे हाईलाइट्स वाले एरिया में हैं, दो यहाँ पर हैं और एक मैं यहाँ पर और बना लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी आप पॉइंट बनाएंगे आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको ईजीली कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने पूरे इमेज को मतलब न्यूट्रल करना चाहते हैं कर्व्स टूल को, तो आपने ये वाले टूल पे इस टूल पर आके आपने सिंपली क्लिक करना है और जो भी सेटिंग्स आपने चेंज की होंगी ये उनको बिल्कुल न्यूट्रल कर देगा। उसके अलावा अगर आप क्लिपिंग मास्क क्रिएट करना चाहते हैं अपने लेयर में तो आप अल्ट प्रेस करके इन लेयर्स के दरमियान पर भी क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अगर अब आप चाहते हैं कि आप अपनी इमेज के कलर्स को कंट्रोल करें या कलर्स को चेंज करें तो आपने यहाँ पर RGB सिंपली रेड में आ जाना है। यहाँ पर आपको तीन कलर्स मिल जाएंगे RGB रेड में आना है और आप यहाँ रेड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात आपने जहन में लाजमी रखनी है कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे जो वाली जो लाइन है ये इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ RGB में आ जाता हूँ लाइट को कंट्रोल करने के लिए, अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पर ये सारा एरिया ये वाला जो है ये लाइटनेस को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अगर मैं इसके नीचे आऊँगा तो ये हमेशा डार्क करता जाएगा। अब आपने एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आप इस वाले मतलब एरिया में ऊपर जाएंगे कर्व्स को लेकर कहीं से भी यहाँ से या कहीं से भी ये आपकी इमेज को ब्राइट करेगा, लेकिन अगर आप इस लाइन से इसको नीचे लेकर आएंगे तो आप कहीं पर भी पॉइंट क्रिएट करके इसको नीचे ले आएंगे तो ये इसको डार्क करेगा। उसके अलावा आप इनको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट मतलब इंक्रीज़ करनी है तो आप इसको यहाँ पर स्लाइडर को यहाँ पर ले जाएं। उसके अलावा आप इसको यहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं, ये इन स्लाइड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके अलावा आपके पास एक हैंड टूल भी आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर हैंड टूल आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपने सिंपली हैंड टूल पर क्लिक करना है और अब आप अगर पॉइंट क्रिएट करना नहीं चाहते, अगर आपको पता नहीं लग रहा कि आपकी इमेज के हाइलाइट्स कहाँ पर हैं या आप कौन से लेवल पर हाइलाइट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपने अपनी इमेज को यहाँ पर आपने हैंड टूल को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप इस एरिया को ब्राइट करें या डार्क करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको आई ड्रॉपर मिलेगा और यहाँ पर आपको पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप गौर की जगह भी यहाँ पर देखें आपको पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। आप जहाँ पर भी जाएंगे अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ डार्क एरिया में जाता हूँ तो यहाँ देखें वो पॉइंट डार्केस्ट एरिया वाली साइड पर आ गया। अगर मैं यहाँ पर ब्राइटेस्ट एरिया की तरफ जाता हूँ तो आप देखते हैं वो पॉइंट ज़्यादा ऊपर जा रहा है ब्राइट एरिया की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिड टोन्स वाले एरिया में आता हूँ तो आप यहाँ पर देखें ये मिड टोन्स में जो है वो काम कर रहा है। अब आपने करना क्या है, आपने सिंपली आना है और जिस एरिया को आप उसकी लाइटनेस या कलर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं आपने यहाँ पर सिंपली वहाँ पर क्लिक करना है और इसको ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये इसको ब्राइट करेगा। अगर आप इसको नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पर ये इसको डार्क करता जाएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि ये हाईलाइटेड एरिया था तो इस वजह से ये इसको हाईलाइट्स जो इसकी लो कर रहा है, लाइटनेस लो कर रहा है, ऊपर लेकर जाएंगे तो ये इसकी जो लाइट्स को है वो इंक्रीज़ कर देगा। उसके अलावा आप इसे कलर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं रेड को चूज़ कर लेता हूँ। अगर आप इसी किसी भी एरिया पर जाएँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप इस एरिया का मतलब इस टाइप की जितनी भी इस क्वांटिटी में कलर्स हैं या लाइटनेस है पूरी इमेज में, उस पूरी को ये कंट्रोल करेगा हैंड टूल। आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे रेड्स को इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ, जैसा कि आपको पता है कि रेड का जो अपोजिट होता है वो ग्रीन होता है या ब्लूइश टाइप का कलर होता है, यहाँ पर देखें वही इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं ग्रीन में आ जाऊँ, मैं यहाँ पर क्लिक करके इंक्रीज़ करूँगा तो ये ग्रीन को इंक्रीज़ करेगा, लेकिन अगर मैं इसको नीचे करूँगा तो ये फिर वो ब्लूइश कलर जो है वो यहाँ पर आपको शो करेगा। उसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि कर्व टूल किन टूल्स के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है और आपको कर्व टूल को ही यूज़ करना चाहिए। तो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट एडजस्टमेंट जो है वो आपकी इमेज के ब्राइटनेस को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होती है, और उसके अलावा ये आपके कंट्रास्ट यानी आपके जो कलर्स हैं वो उनको ज़्यादा डिफरेंट करने के लिए कंट्रास्ट यूज़ होता है, कंट्रास्ट को कंट्रोल करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो सबसे मेजर डिफरेंस जो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के लेयर और कर्व्स में है वो ये है कि आप कर्व्स में जितने मर्जी चाहें उतने जो है वो पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप क्रिएट नहीं कर सकते। उसके अलावा ब्राइटनेस जो है वो आपकी ओवरऑल ब्राइटनेस को इफ़ेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल कहीं पर कम ब्राइटनेस है, कहीं पर ज़्यादा है, कोई इसको परवाह नहीं है, ये इसको इंक्रीज़ कर देगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो यहाँ पर भी जो ब्राइटनेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी लो ब्राइटनेस थी यहाँ पर, उसको भी इंक्रीज़ कर रही है, जहाँ पर हाई थी उसको भी इंक्रीज़ कर रही है, और अगर डिक्रीज़ करें तो ये पूरी ओवरऑल इमेज की जो ब्राइटनेस है उसको इफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर आ जाएँ तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं आपके आप कितनी कैपेसिटी वाली ब्राइटनेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ओवरऑल ब्राइटनेस को इफ़ेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं कर्व्स वाले टूल में आकर। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल हाई लेवल मतलब 100% जो जहाँ पर ब्राइटनेस है उससे थोड़े से कम लेवल 85% पर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ पर पॉइंट क्रिएट कर लें, यहाँ पर आप इसको इंक्रीज़ कर लें और यहाँ पर आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप थोड़ा सा नीचे आकर भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप 2, 3, 4, 5 जितने दिल चाहे पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं अपने ब्राइटनेस को सिर्फ कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा अगर आप कंट्रास्ट की बात करें तो यहाँ पर आप कंट्रास्ट क्रिएट करेंगे तो ये ओवरऑल इमेज के कलर्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, ये आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप कौन से कलर को इफ़ेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसमें आ जाते हैं कर्व्स टूल में तो आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कंट्रास्ट को कंट्रोल कर रहे हैं तो आपने सिंपली जो है वो एक फेमस इसकी कर्व्स है एस कर्व्स, आपने सिंपली यहाँ पर एक मतलब लाइटनेस वाले एरिया में एक आपने वो क्रिएट करना पॉइंट, और एक यहाँ पर शेडोज़ वाले एरिया में आपने शेडोज़ को डार्क कर देना है और जो आपकी ब्राइटनेस है आपने उसको इंक्रीज़ कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही कंट्रास्ट जो है वो हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप यहाँ पर मिड टोन्स पर भी अपना मतलब कि एक कस्टम पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं कि आप मिड टोन्स को कितना रखना चाहते हैं, जबकि यहाँ पर आपको मिड टोन्स को कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। उसके अलावा सबसे बड़ा जो यहाँ पर डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर आपको हैंड टूल मिल जाता है कि आप किस एरिया की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं या किस एरिया के कंट्रास्ट को आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर ब्राइटनेस के एडजस्टमेंट लेयर में कहीं देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा एक और डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर ब्राइटनेस को यहाँ पर डिक्रीज़ करते हैं तो डिक्रीज़ कर दें तो यहाँ एक पॉइंट पर आकर आपका साथ छोड़ देगा। यहाँ पर देखिए मैंने इसको फुली मतलब डिक्रीज़ कर दिया लेकिन इसने इमेज को ब्लैक नहीं किया, लेकिन अगर इसी जगह पर आप ब्राइटनेस लो करते हैं कर्व से तो आप यहाँ पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना, यहाँ पर नीचे आते जाएं, जितना जब तक ये ब्लैक नहीं होगा तब तक ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा, मतलब ये उसको ब्लैक करता जाएगा, जितना आप मर्जी चाहें इसे वो है वो डार्क कर सकते हैं। लेवल्स जो हैं वो आपकी इमेज की हाइलाइट्स शेडोज और मिड टोन्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये आपकी इमेज के ब्राइटनेस और डार्कनेस को भी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये ब्राइटनेस का है, ये वाला हिस्सा जो है ये शेडोज़ का है, और जो दरमियान वाला हिस्सा जो है वो मिड टोन्स का है। उसके अलावा ये वाला जो आपको लाइंस दिखेंगी ये ब्राइटनेस और डार्कनेस को कंट्रोल करने के लिए यूज होती हैं। अगर आप हाईलाइट्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं
तो यहाँ से आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब ब्राइटनेस को ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके शेडोज़ हैं आप उनको डार्क करें, तो आप शेडोज़ को डार्क यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से मिड टोन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस साइड लेफ्ट साइड पर अगर जाएंगे तो ये ज़्यादा ब्राइट होंगे, और अगर राइट साइड पर जाएंगे तो ये ज़्यादा डार्क होंगे। उसके अलावा ब्राइटनेस और डार्कनेस को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है एक लाइन। आपने यहाँ से इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये डार्क होती जाएगी। ब्राइटनेस से डार्कनेस की साइड पर जाएंगे तो आपकी इमेज जो है वो ओवरऑल डार्क हो जाएगी। लेकिन अगर आप डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ जाएंगे तो आपकी इमेज के जो डार्क पार्ट हैं वो आपकी ब्राइट होते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी इमेज जो है वो ब्राइट हो रही है। अब आपको मैं फ़र्क बताता हूँ कर्व्स में और इसमें क्या फ़र्क है। तो इसमें भी दो बड़े फ़र्क ये हैं कि आप यहाँ पर जो है वो सारे काम कर सकते हैं जो आप कर्व्स में लेवल्स में कर सकते हैं, वो सारे काम तो आप इसमें कर ही सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर पॉइंट बनाने को मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। उसके अलावा यहाँ पर जो हैंड टूल है वो हैंड टूल आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर आपको किसी किस्म का हैंड टूल नहीं मिलता। आपकी जो मतलब आप पार्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लेवल्स में इसको नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर भी आपको आई ड्रॉपर मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रीसेट्स यहाँ भी हैं और प्रीसेट्स वहाँ भी हैं। काफ़ी हद तक ये मैच करते हैं, लेकिन कर्व्स इससे भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एक्सपोजर के लेयर में आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एक्सपोजर, ऑफसेट और गामा करेक्शन। अगर यहाँ पर आप एक्सपोजर को देखें तो एक्सपोजर आपकी इमेज की ओवरऑल लाइटनेस को कंट्रोल करता है। ये आपकी इमेज को डार्क भी कर सकता है और ब्राइट भी कर सकता है। यही सेम काम हम कर्व्स में भी कर सकते हैं। हम कर्व से अपनी इमेज को ब्राइट भी कर सकते हैं और इसको डार्क भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो ऑफसेट है वह आपके जो डार्क एरियाज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑफसेट को यहाँ पर डिक्रीज़ करता हूँ तो ये आपके डार्क एरियाज़ को मज़ीद डार्क करता है, और अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो ये आपके डार्क एरियाज़ को ब्राइट करता है। और अगर हम इसकी बात करें गामा करेक्शन की, तो गामा करेक्शन आपके जो डार्क एरियाज़ हैं अगर आप इसको आगे लेकर जाएंगे तो ये ऑफसेट से थोड़ा उलट काम करता है। आप इसको अगर इंक्रीज़ करेंगे तो ये आपके शेडोज़ को जो है वो डार्क करेगा, और अगर आप इसको डिक्रीज़ करेंगे तो ये आपको ये आपके जो इमेज के शेडोज़ हैं ये उनको ब्राइट करेगा। तो ऑफसेट और गामा करेक्शन दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट जो है वो काम करती हैं। तो अब सबसे बड़ी बात, क्यों हम कर्व्स को यूज़ करें इसके जगह पर। तो यहाँ पर आपको हैंड टूल तो जब आपको पिछले दो स्टेप्स में बता चुका हूँ देखने को नहीं मिल रहा कोई यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर आप कर्व्स टूल में आकर पॉइंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप पॉइंट्स भी क्रिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सपोजर को हाई करते हैं तो ये ओवरऑल इमेज की ब्राइटनेस को जो है वो हाई कर देगा। लेकिन यहाँ पर यही काम हम अगर इधर करें कर्व्स में, तो कर्व्स में जो है वो आप इसको यहाँ पर ब्राइट कर सकते हैं और इमेज को, लेकिन यहाँ से इसको फिर डार्क भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का मेन पॉइंट कि कर्व्स टूल को यूज़ क्यों किया जाए। तो मैंने आपको पहले प्रूव कर दिया पिछले तीन स्टेप्स में कि कर्व्स टूल इन सब टूल से बेटर है, और आप एक बेहतर अंदाज में अपनी लाइटनेस को जो है कर्व्स टूल से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा अब अगर आप सारे काम एक ही टूल में कर सकते हैं तो आपको तीन या चार लेयर्स क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है। कर्व्स टूल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको सीख जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, तो आपको इससे प्यार हो जाएगा। उसके अलावा आपका कौन सा फेवरेट तरीका है अपनी लाइट को कंट्रोल करने का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक थम्स अप दे दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ वाले घंटे को लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।